एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। क्या आप भी वो डेस्परेट गर्ल या वुमेन हैं जो कि अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना चाहती हैं और मेरी तरह बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या करें जिससे हमारे फेशियल हेयर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो गाइज, मैं भी अपने फेशियल हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे 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 वाले बाल हैं, तो रेज़र मुझे करना नहीं है। आजकल क्या है, सब लोग रेज़र कर रहे हैं अपने फेस पर, मैं रेज़र नहीं करना चाहती हूँ अपने फेस पर। और वैक्सिंग मुझे करानी नहीं है अपने चेहरे की, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी स्किन लटक ना जाए। क्या आप लोग भी मेरी तरह सोचते हो? तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छी सी होम रेमेडी लेकर आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही माइल्ड सा तरीका यूज़ करने वाली हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपको कैसे अपनी फेशियल हेयर को रिमूव करना है। सो गाइज, अगर आपके फेस पर बहुत ही हल्का सा बाल है, जैसे कि रुआ टाइप का जो होता है, घना है लेकिन बाल जो है बहुत बारीक होता है, घने घने से ऐसे यहाँ पर होते हैं, मेरे वही हैं, इस टाइप के ही बाल हैं मेरे, तो उन पर ये रेमेडी जो है बहुत अच्छे से वर्क करेगी। आप लोग जरूर ट्राई करके देखना इस रेमेडी को, धीरे धीरे आपके वो बाल जो है बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। मगर आपका चेहरे का बाल जो है वो थिक है, मतलब दाढ़ी टाइप का आ रहा है और यहाँ पर बहुत मोटे मोटे बाल हैं, जैसे कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो जाते हैं, लाइक PCOS PCOD की वजह से हो जाते हैं किसी किसी के फेस पर हेयर, तो उन पर ये रेमेडी वर्क नहीं करेगी, तो वो लोग प्लीज़ ट्राई ना करें। मैं तो यही कहूँगी कि इन रेज़र और वैक्स को करने से अच्छा है आप एक बार इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई कर लें, बशर्ते आपको ये रेगुलर 1 वीक तक ट्राई करनी पड़ेगी, तभी आपको फ़र्क दिखेगा। अगर इन केस आपको ये सूट नहीं करती है तो आप इन अदर ऑप्शन रेज़र या फिर आप थ्रेड से भी हटवा सकते हैं, वैक्सिंग करा सकते हैं अपने फेस पर, इसको चूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो प्लीज़ संभल के करना, आप एक बार इसको यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना, यहाँ पर करके देखना, क्योंकि ये हाथ पर अगर करके देखेंगे तो हाथ की स्किन थोड़ी सी बेशरम होती है, इसलिए आपको पैच टेस्ट यहीं पर करके देखना होगा। अगर सूट कर जाती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और नहीं करती है तो प्लीज़ सेंसिटिव स्किन वाले आप लोग नहीं करें इसको, क्योंकि क्या होता है हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको लगाने से, तो आप लोग चेक कर लेना प्लीज़ एक बार। अगर आपको ये सूट कर जाता है तो बिलीव मी गाइज, आप बहुत सारे पेन से बच जाएंगे। जब हम लोग अपने फेस पर थ्रेड करवाते हैं तो कितना ज़्यादा पेन होता है, और वैक्स भी कराते हैं तो भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, जब ऐसे करके खिंचता है तो कितना ज़्यादा पेन होता है, जब हाथ पर पैरों पर इतना पेन होता है हमें वैक्सिंग कराने से, तो सोचिए आप फेस पर कितना ज़्यादा पेन होगा। तो आप इन सारे पेन से बच सकते हैं अगर आपको ये रेमेडी सूट करती है। मैं तो कहती हूँ आप लोग ट्राई जरूर करके देखना, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये होम रेमेडी है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपको एकदम इंस्टेंट वाला रिजल्ट दे देगी। कोई भी होम रेमेडी जो है वो अपना वर्क करने में थोड़ा सा वक्त लेती है, तो इसलिए आपको ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगी। आप लोग सोचेंगे कि आज मैंने करा, मेरे हेयर तो रिमूव नहीं हुए, कैसा बताया था, तो ऐसा नहीं होगा। आपको रेगुलर इसका यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको जाके दिखेगा। और फिर ऊपर से होम रेमेडी है तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, सो आप डोंट वरी रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ट्राई करके देखिए। सो गाइज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके इस वीडियो को देख के। तो गाइज, अब बहुत ही इजी वे से आप लोग अपने फेशियल हेयर से छुटकारा पाने वाले हैं, बट वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, ताकि आप लोग जान सकें कि मैंने आज क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, उसमें 1 कप ऑफ वाटर डालें, पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए, फिर हमें इसमें 1/4 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक यानी कि हल्दी डालनी है। हल्दी आपकी स्किन के लिए कमाल की चीज़ है, एंटीसेप्टिक होती है ये। हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में और बॉईल होने देंगे, ताकि हल्दी अपनी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ इस पानी को दे दे। अब हम 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्न फ्लावर लेंगे, यानी कि मक्के की मैदा। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, मगर आटा थोड़ा सा मोटा होता है तो वो आपके फेस पर अच्छे से स्टिक नहीं होगा, मगर कॉर्न स्टार्च बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसके, अच्छे से ये आपकी स्किन पर चिपक जाते हैं। इसमें पानी डालकर इसको पतला कर लेंगे, और फिर जो हल्दी वाला पानी था उसमें इसको धीरे धीरे डालेंगे। याद रहे एक साथ मत डालना, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, और फिर इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे, और बॉईल होने के बाद ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, जेल फॉर्म में आ जाएगा ये।
चाहिए। अब 2-3 मिनट बाद इसको गैस से उतार लेंगे और फिर इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आपको इसे अपने फेस पर ब्रश की हेल्प से लगाना है। आपको इसे बालों की डायरेक्शन में लगाना है, चिन एरिया पर, अपर लिप्स पर, लोअर जॉ पर लगाइए, चिक पर लगाइए, जहाँ पर भी आपको फेशियल हेयर है वहाँ वहाँ आप लगा लीजिए। एंड 10-15 मिनट्स तक इसको नेचुरली सूखने दें। आपको कोई भी पंखे या कूलर के आगे इसको नहीं सुखाना है। मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेयर है तो मैं यहाँ पर अच्छे से इसको लगा रही हूँ। थोड़ा सा बचा था तो मैंने यहाँ नेक पर भी लगा लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ भी बहुत छोटे छोटे से हेयर है, तो मैंने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है जहाँ मुझे लगा था कि मेरे हेयर है। जब ये अच्छे से सूख जाए फिर हम इसको रब करेंगे। अगर आप इसको गीला ही रब करने लगेंगे तो ये अच्छे से रब नहीं होगा, चिपकेगा। तो मेरा ये अच्छे से सूख चुका है। मुझे 20 मिनट से ज़्यादा ही लग गए थे सूखने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे फेस पर स्वेटिंग बहुत होती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था सूखने में। अब मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रब करूंगी, मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने लगाया था इसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं इसको रब करके धीरे धीरे सारा छुटा दूंगी। वन यूज़ में आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, बट रेगुलरली यूज़ करेंगे स्टार्टिंग 1 वीक तो डेली करना आप। फिर थोड़ा दिन रुक के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आपको रिजल्ट दिखेगा। फिर आप साफ पानी से अपने फेस को वॉश कर लेंगे और टॉवल से पोंछ लेंगे। फेस को वॉश करने के बाद आप अच्छे से अपने फेस को ड्राई कर लें, उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज करें। आप अपना कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि मैं डेली में वही लगाती हूँ। मुझे कोई फेस पैक वगैरह लगाना होता है उसके बाद मैं एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अच्छे से मेरे फेस को सूट करता है और मैं डेली इसको अब यूज़ करूँगी। सो गाइज, यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि मैं तो इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपने हेयर से छुटकारा पाना है विदाउट रेजर, विदाउट एनी वैक्स, कुछ भी नहीं कराना मुझे अपने फेस पे, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सच में मैं होम रेमेडी से ही चाहती हूँ कि धीरे धीरे मेरे हेयर रिमूव हो जाए। तो गाइज, आप लोग भी जरूर ट्राई करके देखना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वो काम तो आप सबसे पहले कर दिया करो, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा करें। तो चलिए, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइज।